हेलो एवरीवन, टैलेंट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे निकल कर आती हैं। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की। सो फर्स्ट कार्ड है आपकी तरफ पीसफुलनेस, वी हैव कमिटमेंट, वी हैव फ्रेंडलीनेस, वी हैव रिस्पेक्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ कोऑपरेशन। ओवरऑल रिलीज़ की एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में आज के दिन कोई टेंशन रिलीज़ होगा, कोई स्ट्रेस रिलीज़ होगा, कुछ चीज़ रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। पीसफुल रहेंगे आप में से काफ़ी सारे लोग, आज के दिन इन्जॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। आज के दिन कुछ लोगों को कुछ अचीवमेंट मिलते हुए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद की या किसी और की रिस्पेक्ट करने वाले हैं आज के दिन। किसी के साथ मिल सकते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, या आप कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल किए हैं जिसमें लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। प्लस यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी है। आपने अपने आप को जहाँ भी डेडिकेट किया है वहाँ से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आज के दिन में, और काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल भी सकती है आज के दिन में। कोऑपरेशन की कलेक्टिव एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ लव। यहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको आपके पर्सन के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो आज के दिन सॉर्ट आउट हो सकता है। कुछ लोग अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या आपके आज के दिन में कोई न्यू फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। न्यू कनेक्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स की। आपके पर्सन की तरफ जो पहला एनर्जी है वो है टॉलरेंस, वर्च्यू, डिसर्नमेंट प्रेजेंट, एंड बॉटम की एनर्जी है काइंडनेस। आपकी तरफ कोऑपरेशन, इनकी तरफ कलेक्टिव काइंडनेस, बहुत ही मिरर एनर्जी है। ये भी कोई सोशल वर्क आज के दिन आपको करते हुए दिख सकते हैं, कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट में, या कहीं किसी को दान दक्षिणा देते हुए, और कोई पिक्स शेयर कर सकते हैं। काइंडनेस वाला कोई काम, जैसे किसी की मदद कर दिया, या कोई अच्छे काम किए, या इनकी रिस्पेक्ट हुई, इनकी वैल्यू हो रही है, आपको कोई ऐसा फ़ोटो, कोई ऐसा इनके बारे में पता चले, इस तरह का भी काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है। दूसरा यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो है उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट या फ्यूचर का बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। इन्होंने अपने मन में ये चीज़ें आज डिसाइड करी हैं कि नहीं, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में जीना है और दूसरों को अप्रिशिएट करना है। जो चीज़ें अप्रिशिएट करने लायक हैं उनको अप्रिशिएट करना है। और इनका जो टॉलरेंस लेवल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मतलब जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनको टॉलरेट करते रहें, चलो छोड़ो, जाने दो, इन सब में नहीं पढ़ना है, खुद पर फोकस करना है। तो इनके अंदर ये एक अच्छा चेंज आया है। साथ ही साथ ये एक्नॉलेज कर रहे हैं स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स को। ये दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हैं आज के दिन में किसी अच्छे काम के लिए, और ख़ुद भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनको फियर में, इल्यूजन में, सच्चाई क्या है, गलत क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पहले अगर इनको कोई इजीली मैनिपुलेट कर लेता था या कर लेती थी, अपने बातों में घुमा लिया, आपको अगेंस्ट कर दिया, तो ये अब उन चक्करों में नहीं पड़ने वाले हैं। ये इनको क्लैरिटी मिल रही है, इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन इनके साइड है, कौन इनका अच्छा चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है। तो ओवरऑल ये एनर्जी निकल कर आई है गाइस, कलेक्टिवली आपकी और आपके पर्सन की। सो इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।